आनंद अहिरवार साहब, जो कुछ भी हुआ है ये वीडियो पूरे देश को विचलित कर रहा है। क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? सिर्फ एक कलेक्टर और एसपी को हटा देने से मामला नहीं सलटेगा, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आपको क्या दिख रहा है और क्या कर रहे हैं आप लोग? जी आनंद जी, देखिए, यहां भावनात्मक ढंग से कानून को अपने तरीके से चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। संविधान को संविधान के मुताबिक काम हो तो शांति व्यवस्था रहेगी। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था जितना बड़ा मामला इसको बनाया गया, और जो लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ लाठियां बरसाई गई, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, वो लोग कुछ पिक्चर में ही नहीं है। इसके पीछे कोई तीसरा आदमी है जो एक दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। आनंद जी, मेरे जो यहाँ जानकारी में यहाँ आके पुलिस अधीक्षक साहब ने बताया जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। आप अगर मैंने सही पढ़ा है तो आप चेयरमैन हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के? जी हाँ। और आपको ये बड़ा मामला नहीं लग रहा? जी बिल्कुल सही है। इस तरह से लाठी डंडे पुलिस बरसाए, हाथ लात घूसे चलाए, नहीं बड़ा बड़ा मामला नहीं, मैं अभी आपने कहा नहीं नहीं इतना बड़ा इतना मामला जो बड़ा बना मामला दिया नहीं है। वो नहीं, मैंने ये कहा हाँ। इतना मामला जो बना दिया, इतना बड़ा मामला नहीं था, ये प्रायोजित और सुनियोजित बनाया गया मामला है। किसने बना दिया ये? देखिए, जब सरकार का ध्यान ठीक तरह से, जो जिस तरीके से नीचे के जो लोग हैं कानून की जो व्यवस्था जिनको मिलनी चाहिए, जो कानून से डरते हैं उनके लिए आप कानून का डंडा चला रहे, और जो कानून का उल्लंघन कर रहे उनके लिए आप अनदेखा कर रहे, तो मैं जो तीसरे व्यक्ति की जो बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति के खिलाफ यह कार्रवाई जो होनी थी वो ना करके यह कार्रवाई की गई, जो बहुत बेहतर और बहुत दुखद है। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी बात को अरविंद जी जल्दी से कमेंट प्रशासन में अनदेखा करके बड़ा यह काम। ठीक, नहीं नहीं, हम तो अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। जिग्नेश मेवानी जी जो इशू उठा रहे हैं, क्या पुलिस ने बायस के खिलाफ दलित होने की वजह से इस तरह से पिटाई की, ये सवाल उठ रहा है। अरे नहीं 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 भाई, ये तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना, बीजेपी का, चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे गवर्नमेंट स्टेट का है। देखिए, यही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट डाइल्यूट किया था, तो ऑर्डिनेंस ला के पार्लियामेंट में कानून बदल के और SC ST के फेवर में दोबारा एट्रोसिटी एक्ट को रिस्टोर किया। क्या ये बात से इनकार कर देंगे? क्या ये वही प्रधानमंत्री हैं जो दलितों के पैर छूते हैं जाके, उनके पैर धोते हैं पानी से? मतलब मान सम्मान में कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं आती है। एट्रोसिटीज होती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर एक मछली तालाब में गंदी है तो उसको निकाल के फेंका गया और विदिन दो घंटे के अंदर फेंका गया, कलेक्टर को इमीडिएटली रिमूव कर दिया, SP को इमीडिएटली रिमूव कर दिया, 6 लोगों को और सस्पेंड कर दिया। देखिए, इसको रंग ना दीजिए, एक्चुअल में क्या है कि कब्जा जो था वो किसानों के पास था, लेकिन जो कार्रवाई 45B के लैंड की है वो भूमाफिया है, लैंड का माफिया है। उसके ऊपर मेरी जानकारी जो मिली है 13 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।